वेलकम ऑल ऑफ यू इन CMS ट्रस्ट एजुकेशन चैनल. स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी कैन स्टडी अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. टुडे वी आर आल्सो स्टडी अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कल हम लोगों ने प्रतिशत के पदों में, PPM के पदों में, शक्ति के पदों में और नॉर्मलता, इनके पदों में सांद्रता पढ़ी थी. आज हम लोग मोलरता किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे. तो जैसा कि डेफिनेशन लिखा है, किसी विलयन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है. द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M. जैसा कि हम लोग जान गए कि जो मोलरता है उसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं. अब मोलरता की का फार्मूला क्या होगा? तो मोलरता का फार्मूला जो है उसे हम लोग लिखते हैं, कैपिटल M मोलरता, कैपिटल M इज इक्वल टू मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में. लेकिन जो मोल होता है, मोल बराबर होता है विलेय की मात्रा W, किसमें? ग्राम में. विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार. और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M डैश से. क्यों? क्योंकि कैपिटल M हमारा मोलरता हो गया है, तो इसे हम लोग M डैश लगा देते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस जान सकें. तो अब हमारा जो फार्मूला है मोलरता, कैपिटल M बराबर, जहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या लिखी है वहाँ पर हम ये फार्मूला पुट कर देते हैं, W अपान M डैश इंटू आयतन को V से लिखते हैं, और V किस में है हमारा? लीटर में है. अगर V हमारा ML में हो जाएगा तो जो मोलरता का फार्मूला है W अपान M डैश इंटू वी ML में हो गया, तो हम लोग 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हमें दो फार्मूले मिल गए. कल हम लोगों ने पढ़ा ही था कि शक्ति बराबर W अपान V होता है. शक्ति बराबर W अपान V, V किस में था? लीटर में. इसलिए इसको समीकरण 1 बना लें, इसको समीकरण 2 बना लें. अब कंपैरिजन कर दें फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू. व्हेन वी आर कंपैरिजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी कैन सी हेयर W अपान V एंड हेयर आल्सो W अपान V. देन वी कैन राइट शक्ति इज इक्वल टू M इंटू M डैश. वेयर फर्स्ट M इज मोलैरिटी एंड सेकेंड M डैश इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, शक्ति बराबर मोलरता गुड़े विलेय का अणुभार. अब हमारे पास मोलरता के दो फार्मूले हो गए. एक हो गया M इज इक्वल टू W अपान M डैश इंटू वी, जहां V किस में है? लीटर में. और दूसरा मोलरता का फार्मूला हो गया शक्ति बराबर मोलरता गुड़े विलय का अणुभार. अब जल्दी ही हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, उसमें मोलरता और नॉर्मलता में संबंध देख लेते हैं कि मोलरता और नॉर्मलता में संबंध क्या है. तो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि शक्ति बराबर N इंटू ई, और आज हम लोगों ने पढ़ा है शक्ति बराबर M इंटू M डैश. अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लें, इसको इक्वेशन सेकंड बना लें, देन वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू N इंटू ई इज इक्वल टू M इंटू M डैश. मतलब नॉर्मलता
तथा तुल्यांकी भार का जो गुणनफल होगा वह मोलरता तथा विलेय के अर्धभार के बराबर होगा। यहाँ पर हमारा जो है मोलरता खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं मोललता पे, मोलैलिटी पे। मोललता पे, मोललता किसे कहते हैं? अब जितनी भी हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं वहाँ पर जो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे थे तो स्टार्टिंग हो रही थी किसी विलयन के एक लीटर में, एक लीटर कह रहे थे, यानी हमेशा विलयन की बात हो रही थी। लेकिन जब मोललता की बात करेंगे तो फिर हम लोग यहाँ विलयन की नहीं विलायक की बात करेंगे, सॉल्यूट की बात करेंगे, सॉल्वेंट की बात करेंगे। डिफिनेशन क्या होगी मोललता की? किसी भी विलायक के एक किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है, और मोललता को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोललता को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा मोललता की? मोललता बराबर हो जाएगा विलेय के मोल बटे विलायक का भार, और विलायक का भार किसमें? W। विलायक का भार W kg में, विलायक का भार W kg में। हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं मोल बराबर W अपान m डैश, देन वी कैन राइट m इज इक्वल टू W अपान m डैश इंटू, भार को हम लोग W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये W किसमें है? kg में है। तो हमारा फार्मूला बन गया मोललता बराबर W विलेय का भार, m डैश विलेय का अर्धभार, कैपिटल W विलायक का भार। कैपिटल W क्या है? विलायक का भार है। अच्छा, अभी ये kg में है तो गुणा हमने 1000 से नहीं किया है, लेकिन अगर यही हमारा ग्राम में हो जाए, W किस में हो जाए? ग्राम में हो जाए, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, देन वी कैन मल्टीप्लाई बाई 1000। यहाँ पर हमको नया फार्मूला मिल गया, मोललता बराबर विलेय का भार, विलेय का अर्धभार, और विलायक का भार किसमें? ग्राम में। गुणा किससे किए हम लोग? 1000 से किए। अब हम लोग का जो है मोललता वो भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने मोल प्रभाज पे। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का कोई पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि यदि विलेय के मोल तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। अगर हम ऊपर विलेय के मोल रख रहे हैं तो विलेय का मोल प्रभाज कहेंगे, और अगर हम ऊपर विलायक का मोल रखेंगे और उसे विलयन के कुल मोलों की संख्या से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो हम उसे कहेंगे विलायक का मोल प्रभाज। यह हम लोग समझने की का प्रयास करते हैं। लेट अस कंसीडर कि विलेय का जो मोल है वो कितना है? स्मॉल एन है। विलायक का मोल बराबर, विलायक का मोल बराबर कैपिटल एन। तो हम लोग विलयन का मोल लिख सकते हैं स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब हमें निकालना है विलेय का मोल प्रभाज, तो हमें पहले मानना पड़ेगा, माना विलेय का मोल प्रभाज क्या है? विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज इज इक्वल टू एक्स ए। मोल प्रभाज को कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम लोग विलय को ए रिप्रेजेंट कर लेते हैं और विलायक को बी, कि विलय हमारा कोई ए विलय है और बी विलायक है, तो विलय ए का मोल प्रभाज क्या हो गया? एक्स ए। इसी प्रकार विलायक बी का जो मोल प्रभाज है वो कितना हो गया? एक्स बी हो गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने डेफिनेशन पे। जिसका भी मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोलों की संख्या ऊपर रहती है बटे कुल मोलों की संख्या। हमें निकालना है विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज मतलब
एक्स ए निकालना है, तो एक्स पता करना है हमको। एक्स ए में ए के मोलों की संख्या ऊपर रहेगी, विलेय के का मोल प्रभाज एक्स ए इज इक्वल टू विलेय का मोल बटे विलयन की कुल मोलों की संख्या, मतलब विलयन का कुल मोल हम लोग पहले ऐड ही कर चुके हैं, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसी प्रकार जो विलायक का मोल प्रभाज होगा, विलायक का मोल प्रभाज एक्स बी इज इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन प्लस कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अगर हर क्या हो बराबर हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो न्यूमरेटर क्या होते हैं ऐसे ही ऐड हो जाते हैं, तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फार्मूला मिल गया हमें, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन। दिस मीन ए का मूल प्रभाज प्लस बी का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। मतलब यदि किसी विलयन में दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हों तो उन अवयवों के मूल प्रभाजों का योग कितना होगा, एक होगा। यहाँ पर हमारा जो मूल प्रभाज है वो समाप्त हो गया। हम लोग चलते हैं फार्मलता में, फार्मलता की डिफिनीशन क्या होगी। तो फार्मलता की डिफिनीशन समझने से पहले हम लोग मोलरता की का फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है मोलरता का, मोलरता बराबर विलेय का भार भार किस में है, ग्राम में है, बटे विलेय का अड़भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अब हम लोग सोचें अगर हमें विलेय का अड़भार ही ना पता हो तो हम लोग उसकी सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक नई डिफिनीशन दी गई फार्मलता की। यदि किसी विलयन में उपस्थित विलेय का अड़भार ज्ञात ना हो तो उस विलेय के अड़भार की जगह हम लोग विलेय के सूत्र भार का प्रयोग कर सकते हैं, विलेय के सूत्र भार का प्रयोग कर सकते हैं। तो नई डिफिनीशन हमारी बनी फार्मलता की कि यदि किसी विलेय का अड़भार ज्ञात ना हो तो हम उस विलेय के सूत्र भार द्वारा उसकी सांद्रता को फार्मलता के पदों में ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमारी जो सांद्रता थी वो 8 के 8 डिफिनीशन क्या हो गई, अब समाप्त हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं फार्मूले के हेल्प से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए वो पढ़ेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इस फार्मूले का उपयोग करके क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप पहले सारे डेफिनेशन को पढ़ें, उनका फार्मूला देखें, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ें और उनको सॉल्व करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारे विद्यालय का CMS ट्रस्ट एजुकेशन का एक ऐप आने वाला है CMS एजुकेशन के नाम से, जिसे जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। फिर आप लोग को एक नई यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा जिसके द्वारा आप लोग घर बैठे ही हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। और फिर जो ये क्लासें हैं सारी वो ऑनलाइन चलेंगी और आपको सारी जो PDF हैं या फिर जितनी भी सुविधाएं हैं वो आप लोग को उसी ऐप पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो मंडे तक आप लोग को CMS एजुकेशन का नया ऐप मिलने वाला है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू।